बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती हैज अलर्ट द सीबीआई हैज नॉट इन्वेस्टिगेटेड द बदायूं रेप केस प्रॉपरली एंड फाइल्ड इट्स रिपोर्ट इन अ हरी शी सेड अ थॉरो प्रोब शुड बी कंडक्टेड एंड गिल्टी पनिश्ड तो बातचीत करने के बाद और परिवार के लोग जिस प्रकार से वो मुझे दुखी नजर आए तो और उन्होंने जो कुछ तथ्य मेरे सामने रखे तो उससे मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन दोनों बहनों ने आत्महत्या की होगी। तो ये जो सीबीआई की अभी रिपोर्ट आ रही है उसमें थोड़ा कुछ हिंट दिया गया है कि वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है। मैं समझती हूँ कि सीबीआई ने जल्दबाजी में तो इस मामले की जांच की है, सही तथ्यों तक वो लोग नहीं पहुँचे हैं और यदि ऐसा वो लोग जांच रिपोर्ट देते हैं तो हमारी पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। और यही नहीं, जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो ये जो बदायूं वाला मामला है इसकी पुनः जांच कराई जाएगी और जो दोषी लोग हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये गरीब लोगों के लिए एक ये योजना थी जो खास तौर से बेरोजगार लोग हैं उनको थोड़ा एक साल में 100 दिन का काम मिल जाता था तो उससे उनको थोड़ी आर्थिक मदद मिल जाती थी। हालांकि हमारी पार्टी तो इस मत की थी कि ये जो इस मनरेगा योजना के तहत जो गरीब लोगों को या परिवार के एक सदस्य को तो साल भर में 100 दिन का काम उनको मिलता था तो ये कम से कम एक साल में 100 दिन तो नहीं होते, 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन का उनको रोज़गार मिलना चाहिए था। तो लेकिन फिर भी थोड़ा घना जो भी इनको 100 दिन की आर्थिक मदद मिल रही थी वो भी मैं समझती हूँ कि वो ठीक था, लेकिन वर्तमान जो गवर्नमेंट है बीजेपी की जो सरकार है तो जो इस योजना को लेकर जो सुनने में आ रहा है कि इस योजना को वो इसमें कुछ ऐसे अमेंडमेंट लाना चाहते हैं कि इसको निष्क्रिय करना चाहते हैं या इसको ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं, अमेंडमेंट ना करके इसको किनारे कर देना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है। पावर्ड बाय NNIS।